भद्रावती तहसील में पुल पार करते समय एक ऑटो यात्रियों के साथ टाकड़ी नाले में बह गया और ऐसे में सेना में सीमा की रक्षा करने वाला एक जवान सभी यात्रियों के लिए देवदूत बनकर आया और उसने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए उन सभी को जीवन दान दिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खबर में। चंद्रपुर जिले में अभी कुछ दिनों पहले एक समय बरसात का नामो निशान नहीं था और बरसात हो भी रही थी तो रुक रुक कर हो रही थी, मगर कहा जाता है कि कुदरत कब करवट बदलेगी कह नहीं सकते। और अब हाल यह है कि लगातार हो रही बरसात से संपूर्ण जिले में जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर है। वही भद्रावती तहसील में एक ऑटो जब पुल पार कर रहा था उसी दरमियान टाकली के नाले में वह बह गया। बताया जा रहा है उस ऑटो में 5 लोग सवार थे और जैसे ही नाले में ऑटो बहा लोग मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, मगर पानी के तेज बहाव के कारण उनकी मदद करने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। वहीं जब इसकी जानकारी सेना के एक जवान निखिल काड़े को मिली जो छुट्टी पर आया था, तो उसने जरा भी समय न गवाते हुए अपने भाई को साथ लेकर घटनास्थल की ओर भागा और तुरंत हरकत में आते हुए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उस ऑटो में 5 लोगों को जीवन दान दिया। और आज जवान निखिल काले के इस कार्य की हर तरफ सराहना की जा रही है और हर कोई उसे सलाम कर रहा है। निखिल काले ने इस घटना के संबंध में जानकारी दी। जशी मला समजलं की बा यांची गाडी वाहून जात आहे टाटा एस, मला लगेच फोन आला आणि मी आणि माझा भाऊ आणि बाकी सहकारी घटनास्थळीवर जाऊन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होतो। साथी सी टीवी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि जावेद शेख ने भी उनसे मोबाइल द्वारा संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं की वाणी। हेलो, निखिल काड़े जी बोल रहे? हो साहब, मैं जावेद शेख म्हणून सी टीवी न्यूज भद्रावती से। हाँ बोला। काय नेमकी परिस्थिती होती काल पाणीवडेमध्ये, आपण सहकार्य केलं का? पूर आला होता ना, त्या पुरामध्ये ते टाटा मॅजिक वाहून जायला लागली होती। तर आपण कुठे होते तेवढेच? तेव्हा मी घरी होतो। अच्छा अच्छा, त्याच्यामध्ये किती प्रवासी अडकून होते? त्याचे 5 प्रवासी होते। गाडी कशा पकडल्या म्हणून काढली का बाहेर? आपण गाडी तर नंतर मध्ये ट्रॅक्टरनं खेचलीत, पहिले तर त्यांना जिथे प्रवासी होते त्यांना वाचवायचा प्रयत्न करा। अच्छा, आपल्या आर्मीमध्ये कोणत्या पोस्टवर आहे? पण आर्मीमध्ये इंडियन आर्मी 16 मराठा मध्ये आहे। 16 बटालियन? हा, 16 मराठा बटालियन। सिटी ग्लॅमर विशेष प्रतिनिधी जावेद शेख की रिपोर्ट।